अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे बेस्ट गेमिंग फोन्स जो 60 FPS पबजी गेम प्ले आपको प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज डिमांड आ रही थी कि भाई गेमिंग फोन्स बताओ पबजी के लिए ओनली 60 FPS वाले, मतलब नो 40 FPS यार। तो 15 से 55-60 हज़ार रुपये की रेंज तक काफ़ी डीप रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के बाद मैंने 7-8 और जो डिवाइसेज हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जो आपको एक अच्छा 60 FPS गेम प्ले प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको एक अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आगे को इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो लोएस्ट बजट से स्टार्ट करते हैं। पहला फोन आप ले सकते हो शार्प एक्वस R2। अब ये जैपनीज किट फोन है, बाहर से मतलब किट फोन्स की शक्ल में आते हैं बट ऑफिशियल PTA प्रूफ भी मिल जाते हैं। एक साल पहले इस फोन को मैंने रिव्यू किया था, तब मैंने इसको नॉट रिकमेंडेड कहा था। रीजन ये था, उस टाइम पे प्राइस थी 23-24 हज़ार पे PTA प्रूफ की और 16-17 नॉन अप्रूव्ड की। तो अभी के लिए जो प्राइस है ना वो मतलब 15-16 में आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव मिल रहा है और 12-13 में आपको नॉन अप्रूव्ड मिल रहा है। इस रेंज में अगर आप कोई न्यू डब्बा पैक फोन लेते हो वो अपने पैरों पे ही मतलब चल पड़े तो बड़ी बात है, गेमिंग तो बड़ी दूर रह गई उससे। तो अगर आपको इतनी रेंज के अंदर गेमिंग करनी है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट है इसके अंदर, 60 FPS। लाइक आप बूट कैंप के ऊपर छलांगे लगाते हो ना, हॉट ड्रॉप करते हो क्लासिक मैचेस के अंदर, तो वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे FPS होते हैं बट मेंटेन कर लेता है, एक आपको रीजनेबल गेम प्ले मिल जाता है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से एक इन एंड फील भी प्रीमियम है, इस तरह का गेम प्ले आपको यही फोन दे सकता है। कहते हो तो मैं डिटेल में अगेन इसको रिव्यू कर दूंगा, मतलब कंप्लीट डिटेल के साथ। और जो बैटरी बैकअप वाली साइड से आएगी, 3130 mAh की बैटरी थोड़ी कम है लेकिन मिल जाता है आपको 1.5-2 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। उसके बाद चार्जर वार्जर लगा लेना भाई, इतनी रेंज में तो फिर यही ऑप्शन मिल सकती है। तो एक्वस R2 को आप ले सकते हो। दूसरा फोन सॉलिड 60 FPS गेम प्ले के लिए आप जो ले सकते हो है सोनी एक्सपीरिया 1। अब ये फोन भी किट की शक्ल में ही आता है पाकिस्तान में, क्योंकि सोनी के फोन ऑफिशियल नहीं आते। तो अच्छी कंडीशन में आप ले सकते हो, 24-25 में आपको नॉन PTA ही मिलेगा, ये PTA प्रूफ में नहीं आता। करवाना तो करवा सकते हो लेकिन टैक्सीज बहुत ज़्यादा हैवी हैं। रिकमेंड मैं ये करूँगा कि 25 हज़ार रुपये के नीचे अगर आपको मतलब गेमिंग ही करनी है ना, वाईफाई गेमिंग करनी है, पबजी के ऊपर हाथ वाथ सीधा करना है, तो ये एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। मैंने रिसेंटली इसको रिव्यू किया था अपने चैनल पे, बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस है। पबजी खेली विद FPS मीटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला के FPS मीटर चलाया, काफ़ी इंप्रेस किया। इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट है ना, सॉलिड परफॉर्मेंस है। इसका एक सर्विस कोड होता है, वो मैंने रिव्यू वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपने कैसे सारी चीज़ों को चेक करना है। और बैटरी जो हेल्थ है वो अच्छी वाला आप लोगे तो एक अच्छा बैटरी बैकअप भी आपको मिल जाएगा। 4K रेजोल्यूशन वाला OLED पैनल भी है इसके अंदर, 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला ये आता है, लंबा चौड़ा फोन है। अभी मेरे पास स्टिल है, मैं अपना जो पबजी गेम प्ले है इसी के ऊपर करता हूँ, वाईफाई के ऊपर मैंने गेमिंग करनी होती है। तो अगर नॉन PTA में आप डिवाइस ढूंढ रहे हो ना, लेना चाहते हो एक सॉलिड डिवाइस जो 60 FPS गेम प्ले आपको दे, कैमरा भी मतलब सही है, और ले सकते हो एक्सपीरिया 1 को आप। और 19 से 20-21 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर दो फोन्स को, जो दो किट फोन्स है ना उनको मैंने स्किप किया, जिनमें सोनी एक्सपीरिया XZ3 और शार्प एक्वस R3 है। R3 भी स्नैपड्रैगन 855 के साथ आता है और जो सोनी XZ3 है वो स्नैपड्रैगन 855 के साथ है। अब इन दोनों फोन्स को मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है, लाइक इनके गेमिंग रिव्यूज़ किए हैं, और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था इन फोन्स के साथ, इसलिए मैंने इनको लिस्ट में नहीं रखा। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं काफी रिक्वेस्ट जो आ रही है आप दोस्तों की, मैं इन दोनों को रिविजिट करूं और देखते हैं फिर क्या एक्सपीरियंस निकलता है। कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो फिर ही किसी नेक्स्ट लिस्ट के अंदर मैं इंक्लूड करूंगा। अगला फोन सॉलिड गेम प्ले के लिए जो आप देख सकते हैं वो है पोको X3 प्रो। 10-11 मंथ पहले लॉन्च हुआ था और तब प्राइसिस बहुत अच्छी थी, अभी प्राइसिस जरा ओवर प्राइस वाले जोन में चली गई है न्यू में, लेकिन मैं आपको यूज में रिकमेंड कर रहा हूं। ये 6128 वाला जो वेरियंट है ना, 37-38 में काइंड ऑफ अच्छी कंडीशन के साथ आपको मिल जाएगा, 5-6 महीने वारंटी भी होगी। तो स्नैपड्रैगन 860 का हार्डवेयर है इसके अंदर, बड़ा सॉलिड है, एक बीस्ट हार्डवेयर मैं कहता हूँ फॉर द प्राइस सेगमेंट। पबजी ग्राफिक्स में देखते हो तो HDR विद एक्सट्रीम चला जाता है बट वहाँ पे फिर फ्रेम ड्रॉप होते हैं और ज़्यादा थोड़ा हीटिंग आपको फेस करनी पड़ती है। अगर स्मूथ विद एक्सट्रीम रख के खेलोगे ना तो एक अच्छा और स्टेबल जो 60 FPS गेम प्ले है ना वो आपको मिलेगा। बूट कैंप पे हॉट ड्रॉप करते हो तो वहाँ पे थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हैं स्मूथ एक्सट्रीम पे भी, बट मैनेज कर लेता है चीज़ों को। एट दी एंड एक अच्छा 60 FPS वाला गेम प्ले आपको मिल जाता है। तो जो पोको X3 प्रो के यूज़र मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना वीडियो का जो अपना जो गेम प्ले का एक्सपीरियंस है ना वो शेयर कर सकते हैं। मैंने इसको गेमिंग रिव्यू किया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो पोको X3 प्रो एक बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, डिसेंट कैमरा, थोड़ा सा भारी फोन है, ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा बट परफॉर्मेंस वाली साइड से बीस्ट है, आप इस फोन को ले सकते हो। अब एक ऐसा फोन मैं गेमिंग के लिए आपको रिकमेंड करने वाला जिसको मैं छोटा डोन कहता हूं, और वो एंड्रॉइड वर्ल्ड से नहीं है, वो एप्पल की तरफ से आता है, iPhone SE 2020। अब ये जो फोन है इसका हाल देखें, ऊपर
नीचे कितने मोटे मोटे बेजल्स हैं, डिस्प्ले का साइज भी 4.7 इंच है, मतलब लगता ही नहीं है कि यार इसको मतलब गेमिंग के लिए लिया जा सकता है। बट इसका जो मेन वेपन है ना वो बायोनिक 13 चिप है जो आईफोन ने 11 सीरीज में लॉन्च की थी। अभी तो बायोनिक 15 चल रही है, बट ये जो बायोनिक 13 है ना ये बड़ी सॉलिड है गेमिंग के लिए। और जो ऑप्टिमाइजेशन होती हैं आईफोन्स की, आपको पता, बड़े नेक्स्ट लेवल की हैं। अब कंपेटिटिव गेमिंग जो है ना इसको लेके आप कभी भी मतलब ऐसे रिग्रेट नहीं करोगे कि हाँ यार मतलब ये क्या ले लिया। छोटा डिस्प्ले है, बड़े डिस्प्ले से छोटे डिस्प्ले पे आना एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट परफॉर्मेंस बड़ी तबाही की है। HDR विद एक्सट्रीम मैक्सिमम भी अगर आप इसको चलाते हो ना ग्राफिक्स के ऊपर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी चलाते हो, तो ये फ़ोन लैग नहीं करता, FPS ड्रॉप नहीं करता, 60 FPS बहुत स्टेबल आपको प्रोवाइड करता है। तो कंपेटिटिव गेमिंग करनी है, देख सकते हो 35-36 में ये नॉन PTA में मिल जाता है, 55-60 में ये आपको PTA प्रो, इसका जो 64 GB वाला वेरियंट है ना वो मिल जाता है। बैटरी का देखिए नंबर कम है, 1800 कितने mAh की बैटरी है, एंड्रॉयड में होती तो वो 15-20 मिनट में ठुस हो जाना था, लेकिन ये आईफोन है, ऑप्टिमाइजेशन होती हैं इनकी, 1.5 से 2 घंटे निकाल जाएगा गिरते पड़ते भी कंटिन्यूस गेमिंग में। तो देख सकते हो अगर कंपेटिटिव गेमिंग करनी है तो आईफोन SE 2020 की तरफ भी आप देख सकते हो। और हाँ, एक और गेमिंग फोन जो आप ले सकते हो वो है MI 10T। 10-11-12 मंथ पहले आया था पाकिस्तान में, अब न्यू में नहीं आता, यूज में आपको मिलेगा 48 से 50 तक, 8/1/8 वाला, और 3 से 4 मंथ की वारंटी हो जाए तो अच्छी बात है। फीचर स्लाइड में लिख दी है, स्नैपड्रैगन 865 का हार्डवेयर है, काफ़ी पावरफुल हार्डवेयर है, गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस निकलती है यहाँ पे, स्मूथ विद 90 FPS तो चलाता है, TDM की हद तक अच्छे स्टेबल रखता है, क्लासिक हॉट ड्रॉप मतलब बूट कैंप के ऊपर थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, बट एट दी एंड 60 FPS का एक स्टेबल गेम प्ले तो आपको मिलता है इस फोन के अंदर। उसके अलावा IPS डिस्प्ले है बट 144Hz का है, उसका टच सैम्पलिंग भी बहुत अच्छा है, चलने में भी इन एंड फील भी, कैमरा भी इस फोन का सॉलिड पॉइंट है। इसका जो सक्सेसर है ना Xiaomi 11T, उसके अंदर प्रोसेसर तो सॉलिड है, Dimensity 1200 का, वो भी 5G हार्डवेयर है, वो भी 90 FPS चलाता है, बट उसको ना गेमिंग वाली साइड से इतना मुझे ऑप्टिमाइज नहीं लगा। लाइक 60 FPS उसके अंदर भी सही मिल जाता है, वो भी वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी के अंदर आ जाता है डिस्काउंट के बाद, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आपको 48 से 50 तक अगर फोन चाहिए ना, कैमरा भी थोड़े से स्ट्रांग चाहिए, बड़ी बैटरी के साथ 33W की चार्जिंग और एक अच्छा गेम प्ले, MI 10T आप ले सकते हो। अगला बेस्ट गेमिंग फोन मेरी लिस्ट में आप ले सकते हो Poco F3 को। अब ये भी फोन 10-11 मंथ पहले आया था न्यू में, तो प्राइसेस इसकी भी काफ़ी ऊपर चली गई हैं, बट इसको भी मैं यूज्ड में ही रिकमेंड करने वाला हूँ। तो ये फोन आपको 50,000 रुपये के आसपास ना 6/1/8 वाला जो वेरियंट है वो मिल जाएगा। AMOLED 120Hz वाला पैनल है, टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 870 का हार्डवेयर है इसके अंदर, काफ़ी पावरफुल हार्डवेयर है। गेमिंग करनी है तो 60 FPS का जो गेम प्ले है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, और मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, और बैटरी के साथ आपको 33W की चार्जिंग भी है, कैमरास भी काइंड ऑफ डिसेंट है, डिवाइस भी काइंड ऑफ डिसेंट है। Poco F3 डेफिनेटली आप गेमिंग के लिए, 60 FPS गेमिंग के लिए आप ले सकते हो। अब एक फ़ोन 60,000 की रेंज में ना मैंने न्यू में रखा है जो एक अच्छी गेमिंग आपको प्रोवाइड करेगा, डिवाइस है Realme GT Master Edition। अब ये फ़ोन वैसे तो कैमरा कैटेगरी का फ़ोन है, मतलब एक जर्नल यूज़ के लिए ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, बट मैं गेमिंग इसको कैटेगरी में क्यों लेके आया हूँ, बिकॉज मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो इसका 60 FPS गेम प्ले है ना वो काफ़ी स्टेबल निकलती है परफॉर्मेंस। इसमें जो स्नैपड्रैगन 778G का हार्डवेयर है वो 5G हार्डवेयर है, 6 नैनोमीटर के ऊपर है, पावर एफिशिएंट भी है, पावरफुल भी है। तो 60 FPS जो गेम प्ले है ना इसका, जायरो की परफॉर्मेंस और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो बिकॉज ये 60 FPS गेमिंग की वीडियो मैं बना रहा हूँ, मतलब लिस्ट बना रहा हूँ, तो ये एक अच्छा पैकेज मुझे लगा। और इस रेंज में स्नैपड्रैगन 778G हार्डवेयर के साथ दो और डिवाइसेस भी आती हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, सैमसंग की A52S और Xiaomi की 11 Lite 5G NE, बट उन दोनों को मैंने स्किप इसलिए किया कि वहाँ पे आपको चार्जिंग का नंबर कम मिलता है, इसमें 65W की चार्जिंग है। तो गेमिंग करते हुए अगर बैटरी थोड़ी सी जल्दी निकल गई तो आपको जल्दी से टॉप अप करना है, तो 65W जो चार्जिंग है ना वो काफ़ी हेल्प करेगी। 60 FPS का सॉलिड गेम प्ले है, उसके अलावा आपको मतलब कैमरा भी अच्छे मिल जाते हैं, डिज़ाइन भी प्रोफेशनल है, डिस्प्ले भी AMOLED 120Hz का मिलता है, लाइट वेट और हैंडी सा फ़ोन है, थोड़ा बहुत हीट शीट करता है लेकिन मैनेज हो जाती है। 60,000 में एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, और 60 FPS गेमिंग के लिए भी आप इसकी तरफ देख सकते हो। तो ये थे भाई फ़ोन जो आप 15,000 से कोई 55-60,000 रुपये की रेंज तक 60 FPS गेमिंग सॉलिड गेमिंग आप ले सकते हो
हो इन फोन्स को। अब मैं रेंज से ऊपर ले जाता तो आईफोन XR भी आ जाना था उसके ऊपर, फिर मतलब ऑप्शन आती जानी थी, बट एक प्राइस रेंज थोड़ी सी कैटेगराइज कर दी है ना, तो इस रेंज में आप जो अच्छा मिल सकता था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप कहेंगे ऊपर एक्सपेंड करने को रेंज को, वो भी करेंगे। और अगर कोई फ़ोन मैंने मिस कर दिया अपने इस वीडियो के अंदर, आप मुझे वीडियो के कॉमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।